हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश शर्मा। आज हम लर्न करेंगे प्लेजेंटेशन, प्लेजेंटेशन के टाइप्स एंड प्लेजेंटेशन के एग्जांपल्स। देखिए, सबसे पहला प्लेजेंटेशन है मार्जिनल। इसका एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल है, वो है पी। ठीक है, तो इसके लिए कोई ट्रिक यूज नहीं कर रहा हूँ मैं। तो आपको एज इट इज याद रखना है, मार्जिनल जो है प्रेजेंटेशन उसका एग्जाम्पल है बेटा पी। ठीक है, दूसरा है एक्साइल। एक्साइल प्रेजेंटेशन जो है उसके एग्जाम्पल है बेटा चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। अब इनको कैसे याद रखें, तो ये याद रखिएगा चिटोले। क्या याद रखोगे, चिटोले। सी एच जो है बताता है चाइना रोज को, टी ओ टोमेटो को, और एल ई जो है लेमन को। तो चिटोले एक्साइल प्रेजेंटेशन का याद रखना है हमें। फिर होगा पेराइटल प्रेजेंटेशन। तो बेटा पेराइटल प्रेजेंटेशन जो है इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, अर्जिमोन। हम कैसे याद रखेंगे, याद रखिएगा मा। तो एम हो जाएगा मस्टर्ड, ए हो जाएगा अर्जिमोन। या फिर एक और तरीका है मैप। मैप याद रखिए आप, जैसे कि इंडिया का मैप है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा मस्टर्ड, ए हो जाएगा अर्जिमोन, और पी खुद बता देगा पेराइटल। ये थोड़ा बेटर है। ठीक है, अब हम बता दें कि फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन है इसमें क्या होगा। एग्जाम्पल्स है प्रिमरोज, डायंथस। प्रिमरोज और डायंथस, इसको क्या याद रखेंगे, पीडीएफ से। पीडीएफ नोट्स की पीडीएफ बनाई है मैंने, तो क्या बोलेंगे हम पीडीएफ। तो पी हो जाएगा प्रिमरोस, डी हो जाएगा डायंथस, और एफ खुद हो जाएगा फ्री सेंट्रल। तो बेटा पेराइटल और जो फ्री सेंट्रल है उसको मैं तो ये बोलता हूँ कि मैप और पीडीएफ से याद रखें, ताकि पेराइटल पी भी उसमें आ जाएगा और फ्री सेंट्रल भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद लास्ट जो है प्रेजेंटेशन वो है बेटा बेसल। तो बेसल का आप कैसे याद रखेंगे, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है पहले देखें, मेरीगोल्ड और सनफ्लावर। तो याद रखना आप बी ए एम एस। ठीक है, बी एम एस जो होता है आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए डिग्री होती है बी ए एम एस। बी ए जो हो जाएगा बेसल बताएगा, एम हो जाएगा मेरीगोल्ड, और एस जो है सनफ्लावर बताएगा। ये आपके एग्जाम्पल्स खत्म हुए। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरी ट्रिक्स पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक की ट्रिक्स चाहिए। थैंक यू।